ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 18 दिसंबर 2018, मंगलवार का दिन है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। मोक्षदा एकादशी रहेगी। इस दिन पितरों के निमित्त विशेष रूप से पूजन अर्चन वंदन या फिर व्रत करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन यदि कोई विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करता है और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है तो उसके सारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गीता जयंती का इस दिन महापर्व रहेगा। गीता जी का प्रागट्य इस दिन हुआ था। और अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, तुला और मीन, ये 4 राशियां सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। अब हम आपको 12 राशि का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। मेष से लेकर के मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है यह हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कुछ हल्के फुल्के मामले आपके ही फेवर में निपट सकते हैं। बिजनेस में पुराने काम निपटाने में आप लगे रहेंगे। आपके पॉजिटिव व्यवहार से ज़्यादातर लोग प्रसन्न रहेंगे। आसपास के लोगों से भी आपको समर्थन मिल जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां आपको मदद मिल जाएगी और कुछ लोगों से आपके संबंधों में सुधार भी होगा। किसी यात्रा की योजना भी आपकी बन सकती है और उपाय के रूप में गाय को यदि आप मसूर की दाल खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अतिरिक्त काम के दम पर पैसा कमाने की प्लानिंग करेंगे और इसका मौका भी आपको मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र पर अपने बड़े लोगों से आपको मदद भी प्राप्त होगी। इससे आपको खास काम पूरा करने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी। कोई नया काम शुरू आप कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ भरी यात्राएं भी हो सकती है जिनका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, कार्यक्षेत्र की उन्नति होगी और आपको जो है खुद पर थोड़ा स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आपके स्वभाव के कारण कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और उपाय के रूप में पक्षियों को यदि आप दाना डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी से अपनी बात मनवाने में आप सफल हो जाएंगे। ऑफिस या बिजनेस में भी जल्दी काम निपटाने की आप कोशिश करेंगे। धन संबंधी कोई बड़ा काम हो सकता है, समस्याएं और विवाद समाप्त हो जाएंगे। नया कारोबार शुरू करने की यदि आप सोच रहे हैं तो शुरुआती काम और व्यवस्थाएं पूरी करने का दिन है। दोस्तों और भाइयों से आपको मदद प्राप्त होगी। पारिवारिक सुख के लिए पैसा आपका खर्च होगा। आपकी सेविंग थोड़ी कमजोर हो सकती है। किसी कारण से आप समय को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे जो है प्रभावित रहेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। मौसम की कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मछलियों को यदि आप आटे की गोली डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। ऑफिस और बिजनेस में नया काम शुरू हो जाएगा। कोई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। अटके हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपके सामने कई तरह के काम आ सकते हैं। नए काम करने के लिए योजनाएं बन सकती है, उनमें कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। पैसों के उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह भी लेंगे
ऑफिस के छोटे छोटे काम जो आप टाल रहे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आज ज़्यादा भावुक ना हो, कोई बड़ा फैसला भी न करे। कुछ मामलों में आपकी सोच और सोचने का तरीका साफ नहीं होने से परेशानियां बढ़ सकती है। किसी निवेश को लेकर के टेंशन भी बढ़ सकती है। जरूरत से ज़्यादा खर्चा करने से आपको बचना होगा और हरी सब्जी यदि आप खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दूसरों पर आपके काम और व्यवहार का पॉजिटिव असर पड़ेगा। पैसों के मामलों में सोच विचार और प्लानिंग आपकी हो सकती है। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। आपके काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। थकावट और थोड़ी बहुत बेचैनी भी रहेगी। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और खर्चा बढ़ने के भी योग है। फालतू पैसा खर्चा हो सकता है। खरीदारी करने के पहले आप एक बार फिर से विचार करें। फालतू चीज़ों की खरीदारी भी हो सकती है। आपको अपनी बात कहने का मौका शायद ही मिले। कुछ फैसले सावधानी से आपको लेना होगा जो आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और उपाय के रूप में यदि किसी भी मंदिर में आप घी का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। बेरोजगार लोगों को कोशिश और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों और भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपके अंदर उत्साह रहेगा, मन में उत्सुकता रहेगी और कई नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। रोजमर्रा के कामों की ज़्यादा चिंता न करें। साथ काम करने वाले लोगों की कोई नई बात आपको पता चलने वाली है या आप किसी ऐसी बात को लेकर के थोड़े विचलित हो सकते हैं जिसके बारे में आपको अचानक पता लगेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। दूसरों के लिए आप कुछ त्याग भी कर सकते हैं। लंबे समय से अधूरे काम पूरे होने के योग है। मान सम्मान भी आपको प्राप्त होने वाला है। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में बेसन की मिठाई यदि आप चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए दोस्तों से मदद प्राप्त करने का दिन होगा। निजी और कामकाजी जीवन में प्रगति होगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। बिजनेस में नई चुनौतियों से आप निपट सकते हैं। नए विषय पर काम शुरू हो सकता है। आपको समय जरूर लगेगा लेकिन आप सफल हो जाएंगे। रुके हुए ज़्यादातर काम भी पूरे हो जाएंगे। साथ काम करने वाले लोगों से सही सलाह भी आपको मिल जाएगी। नए और फायदेमंद विचार आपके मन में आ सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप चने की दाल का दान करेंगे किसी भी मंदिर में तो आपका दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए दिन सामान्य है। लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। कुछ नए लोगों से दोस्ती होगी। ऑफिस में आप बहुत से मामलों में सफल हो जाएंगे। अपने काम और विचारों से लोगों को सहमत कराने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑफिस में आप किसी नए साथी की मदद से अपने काम पूरे कर पाएंगे। नए प्लान आपके सामने आ सकते हैं। आज आपको किसी की गुप्त बातें भी पता चलने वाली है। थोड़ी सुस्ती महसूस होगी। कामकाज में अधूरापन होने से आपकी इमेज खराब होने का योग है। अधिकारियों से बात करने से पहले सावधान हो जाए। झूठे वादे न करें। आज किए गए वादों का असर लंबे समय पर आपके ऊपर रहेगा। और उपाय के रूप में किसी भी फलदार पौधे में यदि आप पानी डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। संभल कर कदम बढ़ाएंगे तो बहुत हद तक विवादों से बच पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस की कुछ नई बातें भी पता चलेगी। नए लोगों से मुलाकात का योग है। नए विचार मन में आएंगे। ज़्यादातर लोगों को अपनी राय से सहमत कराने में आप सफल रहेंगे। और कुछ नए लोगों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत आपको पड़ सकती है। दोस्तों की मदद से हर एक काम आपके पूरे हो जाएंगे। परिवार से भी आपको मदद प्राप्त होगी। और उपाय में यदि आप दूध से बनी मिठाई खा करके घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप उतना ही काम करें जितना आसानी से कर सकते हैं या बहुत ज्यादा जरूरी हो। आपको अपनी बात साफ तौर पर रखना होगी। दूसरों की बातें भी समझने की कोशिश आपको करनी होगी। किसी को अपनी बात समझाने और अपनी बात से सहमत करवाने में आप सफल हो जाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से समय पर सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। उपाय के रूप में अपने घर के पूजन स्थल पर यदि आप शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। पैसों के लिहाज से दिन ठीक ठाक रहेगा।
आज आप सोच समझ करके बोले। सुबह से ही कामकाज में मन लगेगा, पार्टनर से सहयोग मिलने का योग है। आपका ध्यान पैसों से जुड़े किसी मामले पर रहेगा। पैसों की स्थिति में सुधार धीरे धीरे होगा। उससे किसी करीबी व्यक्ति का योगदान भी उसमें हो सकता है। कोई नई आदत भी आज आप सीख सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मिलने का योग है। इनकम आपकी बढ़ने वाली है और उपाय के रूप में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप गर्म कपड़े, स्वेटर, शाल आदि का दान करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप बदलते समय को महसूस करें, अपनी बेचैनी को भी काबू में रखने की कोशिश करें। आज आप साथ वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपके खान पान की आदतों में बदलाव होने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर आपको मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आज आपको मिलने वाली है। नौकरी और बिजनेस में कुछ परिवर्तन की स्थितियां भी बन सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप एक इलायची खा करके घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। मित्रों, हमने यह 12 राशि का दैनिक राशिफल बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।